एक बहन अपने भाई के साथ संबंध बना रही थी और माँ ने देखा, फिर माँ के देखने के बाद होता है खूनी खेल। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक बहन ने अपने भाई के साथ इस तरह का संबंध बनाया और फिर वहां पर होता है मौत का तांडव। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है कर्नाटक की। कर्नाटक में शीला नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 21 साल। वह अपने घर में अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी और उसका पापा बाहर कमाने के लिए जाया करता था और ज़्यादातर उसका पापा बाहर ही रहा करता था और घर में शीला और उसकी मम्मी दोनों ही रहा करती थी। शीला पढ़ा लिखा करती थी और शीला के ही पड़ोस में उसका चचेरा भाई था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध की उम्र 26 साल थी, शीला की उम्र 21 साल थी। अनिरुद्ध के साथ ही शीला पढ़ने लिखने के लिए जाया करती थी। दोनों का बहन भाई का नाता था, किसी को उनके ऊपर कोई शक नहीं होता था। दोनों बाजार भी जाया करते थे, एक साथ खाना पीना उनका होता था। कोई भी उनसे कुछ कहने वाला नहीं था क्योंकि उनका रिश्ता भाई बहन का था। इसी तरह से मामला चल रहा होता है दोस्तों। तभी क्या होता है, एक दिन शीला की जो माँ होती है वह अपने घर पर होती है और घर पर ही शीला होती है और शीला के साथ उसका चचेरा भाई अनिरुद्ध भी बैठा हुआ होता है। तभी शीला की माँ कहती है शीला से कि मैं बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, और अनिरुद्ध से कहती है कि बेटा तू यहीं पर रहना, मैं अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता, बाजार जाते हुए वह कुछ भूल जाती है घर पर, फिर वह उस सामान को लेने के लिए वापस घर आती है और वापस जब घर आती है तो शीला ने अंदर की कुंडी लगाई हुई थी, अंदर ही अनिरुद्ध था। वह दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तभी वह खिड़की से झांक कर देखती है कमरे के अंदर, और जैसे ही वह खिड़की से झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर अनिरुद्ध और उसकी बेटी शीला आपत्तिजनक परिस्थिति में थे, और जब वह जोर से चिल्लाती है तो शीला कपड़े पहनकर बाहर आती है, दरवाज़ा खोलती है। वह कमरे के अंदर जाती है, उनसे चिल्लाने लगती है, लड़ने लगती है। तभी वहाँ से अनिरुद्ध को भी समझाती है कि ऐसा काम मत कर, ये ठीक नहीं है, तुम दोनों का भाई बहन का नाता है। अनिरुद्ध वहाँ से फरार हो जाता है। तभी अपनी बेटी से भी थोड़ा सा लड़ाई करती है और फिर बेटी से पूछती है कि क्या यह पहली बार था या फिर पहले से ही मामला चल रहा है। तो उसकी बेटी शीला बताती है कि यह मामला तो एक साल से चल रहा है और मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ, इसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ उसे धमकाती है और कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, रिश्तों को कलंकित मत करो, ढंग से रहो, अपने जीवन को अच्छे से गुजारो। दोस्तों, इस तरह की कुछ बात शीला की माँ शीला से कहती है, लेकिन शीला को उसकी माँ की बातें कुछ चुभ जाती हैं और अब वह उससे बदला लेने की फिराक में डोलने लगती, घूमने लगती है। वह अनिरुद्ध के पास फोन करती है, अनिरुद्ध से कहती है कि हमारी माँ हमारे प्यार के बीच में दीवार है और इस माँ का रास्ता साफ करना पड़ेगा, इसका पत्ता साफ करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा, फिर हम एक दूसरे से आराम से मिल लिया करेंगे, हम अपने प्यार को परवान चढ़ा लिया करेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, और इस तरह से हम अपनी माँ को मारेंगे कि किसी को कानो कान भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। दोस्तों, अनिरुद्ध मान जाता है, अनिरुद्ध तैयार हो जाता है इस कांड को करने के लिए। फिर होती है रात। रात को शीला की माँ अपने बेड पर सोई हुई थी और फिर घर के अंदर अनिरुद्ध आता है। शीला अनिरुद्ध को दरवाज़ा खोलकर अंदर बुला लेती है और फिर दोनों अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और जाकर के उसकी गर्दन को दबाने लगते हैं। देखते ही देखते वह तड़पने लगती है और थोड़ी देर में वह मर जाती है। फिर उसकी डेड बॉडी को उठा करके जंगल में नाले में डाल आते हैं और अपने घर आ जाते हैं और मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होती है, सुबह खुद शीला पुलिस थाने जाती है और अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। तभी पुलिस के पास गांव से फोन आता है कि किसी की डेड बॉडी यहाँ पर नाले में पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ जाती है, डेड बॉडी को निकालती है, शीला को बुलाया जाता शिनाख्त के लिए। शीला उसको पहचान लेती है और दुनिया को दिखाने के लिए जोर जोर से रोने लगती है। तभी पुलिस मामले की छानबीन करती है और शीला से सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से जब शीला से पूछताछ की जाती है तो शीला सारी घटना को बयां कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने भाई प्यार करती थी और मेरी माँ हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन रही थी, दीवार बन रही थी। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते थे, लेकिन हमारी माँ बीच में रोड़ा बन रही थी, इसलिए हमने इसको गला दबाकर मार दिया और फिर यहाँ पर लाकर फेंक दिया। दोस्तों, पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में? ऐसी ऐसी बेटियां भी समाज के अंदर परिवारों में हो जाती हैं जिनको इस छोटी सी हवस के ऊपर ना अपना परिवार दिखता है, ना माँ बाप दिखते हैं, ना ही समाज दिखता है, और ना ही ये दिखता है कि उनका जीवन आगे का किस तरह से गुजरेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि हम इस कांड को कर देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। आप कोई भी अगर अपराध करते हैं और ये सोचते हैं कि किसी को खबर नहीं होगी तो यह आपकी भूल है।
हो सकता है एक दो दिन में पता ना चले कि बाद में पता चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं का अंजाम बुरा ही होता है। आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पे, क्या शीला ने सही किया? कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई उसने प्यार किया था, और प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है। क्या ये जायज है, इसको जायज कहोगे आप? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं। मेवात आज तक पर हमारा प्रोग्राम आता है। दोस्तों हमारे पर्सनल चैनल तिरछी बात पर भी जाएं, वहां पर भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाकर लेकर आते हैं, और हमें सपोर्ट करें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।